हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिप चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एम्स बिलासपुर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2022 के बारे में। तो बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको एचपी की वैकेंसीज का वेट रहता है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो पोस्ट आपकी होंगी वो कितनी होंगी। 150 प्लस आपकी पोस्ट होंगी। तो किस बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ ये मैं सारा आपको डिटेल में विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ। सैलरी आपकी 70,000 प्लस रहेगी। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो है पोस्ट होगी, डेजिग्नेशन होगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने अंत तक वीडियो को देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप ना छूट सके, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो सकें। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए वैकेंसी होने वाली है। जो भी हिमाचल की वैकेंसी की वेट कर रहे थे और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, टेस्ट कब कंडक्ट होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। नीचे आप देख सकते हो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, उससे आप जो है ज्वाइन डायरेक्टली कर सकते हो। तो बहुत सारी फीचर्स और प्राइजेस भी आपको मिलेंगे ज्वाइन करने के बाद, जो भी हमारे बहुत सारे इसमें कॉन्टेस्ट रखे जाएंगे और आपको जो है बहुत सारे प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो इसका जो है नाम रहेगा एम्स बिलासपुर 2022 नर्सिंग रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है वैकेंसीज होने वाली हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी होने वाली है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी 150 जो है प्लस होने वाली हैं। 150 प्लस आपकी जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होने वाली हैं। ये मैं किस बेसिस पे बता रही हूँ, अभी ये जो है एम्स बिलासपुर है वो नया नया ही एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसकी जो वैकेंसी स्टार्ट हुई थी 2020 का जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ही इसकी जो है वैकेंसीज आई थी। 2020 में इसकी 100 वैकेंसीज थी और 2021 में जो लास्ट आपका एग्ज़ाम हुआ है पिछले साल उसमें इसकी जो है 150 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी। तो अभी जो इसकी वैकेंसीज होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। ये आपकी जो है 150 प्लस जो है वैकेंसीज इसकी रहने वाली हैं। तो 200 भी इसकी वैकेंसीज हो सकती हैं। तो इसकी जो है पोस्ट जो है नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगी उसकी डेट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसकी जो है नोटिफिकेशन, ये हर साल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इसकी जो नोटिफिकेशन होगी आपकी अगस्त में रिलीज़ हो जाएगी और सितंबर तक आपको टाइम मिलेगा इसको फॉर्म को फिल करने का। नेक्स्ट जो है मंथ आएगा आपका, तो उसमें आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है अगस्त में, तो सितंबर तक समटाइम्स आपको 15 डेज़ ही फॉर्म फिल करने के लिए मिलते हैं और अदर 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब 2 मंथ की ही प्रोसेस होती है कुछ जो है टाइम में। नेक्स्ट आती है सैलरी की बात। तो सैलरी आपको बहुत अच्छी इसमें सैलरी मिलती है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है वो मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप विज़िट करके देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आपकी 72,000 प्लस आपको जो है सैलरी मिलती है। तो सैलरी के बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जॉब लोकेशन की बात करें तो बिलासपुर रहेगी। और नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई इसको हम कर सकते हैं। आपका जो है एम्स जो है कंडक्ट करवाता है टेस्ट नोरसेट, इस टेस्ट का नाम होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम है, और इसको कंडक्ट करवाता है हर साल हर एक एम्स की इसमें वैकेंसीज होती हैं। तो आपने क्या करना होता है, इसको फॉर्म को फिल करना होता है। लास्ट में आपको एम्स जो है लोकेशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जब आपका जो है क्लियर हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपने GNM की होनी चाहिए, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग। लेकिन इसको फ्रेशर्स जो हैं BSc पोस्ट बेसिक या MSc वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जो GNM के कैंडिडेट हैं उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके पास एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है। तो ये आपका है
टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि नोरसेट इसके लिए कंडक्ट किया जाता है, NORCET। नोरसेट नाम है, हर एक साल ये जो है कंडक्ट किया जाता है, एम्स दिल्ली के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है और सभी एम्स के लिए होता है। जैसे कि आपके जो है मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको एम्स जिस लोकेशन जो है आपकी पोस्टिंग होती है। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि कौन सा एम्स आपने ज्वाइन करना है, तो इसमें आपका एम्स बिलासपुर का भी ऑप्शन आता है। तो अभी ये अगस्त में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है। इसका एक फिक्स टाइम होता है कि कब इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे कि अदर एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, इस अदर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कभी भी वैकेंसीज निकल सकती हैं, अगस्त में भी निकल सकती हैं, सितंबर में भी निकल सकती हैं, अक्टूबर में भी निकल सकती हैं, जैन में भी निकल सकती हैं, लेकिन जो ये है आपका एग्ज़ाम, इसमें आपकी जो है वैकेंसीज तभी निकलती हैं जब इसका जो है शेड्यूल पहले से ही जारी कर दिया जाता है। इसमें इस वीडियो में इतना ही, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और एम्स नोट सेट के जो हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसकी भी डिफरेंट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। और चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।